मैं आपकी बीवी हूँ। सारी लड़कियों को आप ये कहते हैं वो मेरी बीवी नहीं है, ये जेरोक्स कॉपी है, मरती मर जाऊंगी, मैं तलाक तो नहीं दूंगी आपको। शर्लिन एक अच्छी लड़की है, समाज सेवा करना चाह रही है डेफिनेटली, और आज हम दोनों दोस्त हैं। एक्ट्रेस राखी सावंत लगातार मीडिया के सामने आकर अपने पति आदिल को लेकर कई खुलासे कर रही है। हाल ही में राखी ने बताया कि उन्होंने अपनी मां के जेवर बेचकर आदिल को बिजनेस के लिए पैसे दिए। राखी कहती हैं कि आदिल चाहते हैं कि मैं उन्हें तलाक दूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आदिल, उस दिन तुम्हारी आंख में आंसू था कि राखी तुमने अपने जेवर बेचकर तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस निकाल कर 75 लाख, वो मेरा लाइफ का इंश्योरेंस, और 70 लाख 60-70 लाख में मेरे जेवर बेचकर मैंने आपके लिए बिजनेस में डाले। आप रोए थे उस दिन, आदिल भूल कैसे गए? तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अल्लाह से नहीं। तुमने कहा एक साल में मैं पैसे दे दूंगा, उसके बदले एक साल के ऊपर हो गया। आप मानने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज़ मुझे तो नहीं, पुलिस को तो जवाब दो। देश की जनता भी जानना चाहती कि उन पैसों का क्या किया आपने। मुझे वो मेरे पैसे चाहिए आदिल, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, वो मेरा हक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे तलाक मांग रही हूँ, नहीं, मरती मर जाऊंगी, मैं तलाक तो नहीं दूंगी आपको। आप मुझे प्रेशर कर रहे हैं तलाक का, आप मुझे डाइवोर्स का प्रेशर कर रहे हैं। कितना भी प्रेशर हो, मैं आपकी बीवी हूँ। सारी लड़कियों को आप ये कहते हैं वो मेरी बीवी नहीं है, ये जेरोक्स कॉपी है, वो मौलाना झूठा। तो मौलाना कोई झूठे होते हैं क्या कभी? वो अल्लाह के बाद वही होते हैं सारे मौलाना, वही पवित्र निकाह कराते हैं। आप उनको झूठा कैसे ठहरा सकते? रजिस्टर मैरिज कैसे झूठा ठहरा सकते हैं? आदिल ने ऐसा किया, बोला कि मौलाना झूठा है, क्या बोला आदिल? वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो पति चोर की, जो पति चोर लड़की है ना, जो सबके पति चुराती है, मेरा भी चुराया, मेरा भी घर तोड़ा, वो पति चोर जो है, उसका टाइटल मैंने दिया, उसका नाम इस्तेमाल करने में मुझे घिन आती है उस लड़की का। उसको तो और भी लड़के मिल जाते हैं, कुंवारे शादीशुदा की ज़िंदगी में आके उसे मेरा ही पति मिला, क्योंकि मेरे पति का नाम मैंने इतना बड़ा कर दिया था, घर घर में उसको लोग लाइक करने लग गए थे आदिल को। वो हम लोग फिल्में बना रहे थे, उसके लिए वीडियो बनाया था, उसकी भी 2-4 फिल्में बनने वाली थी, हम कर रहे थे। उसको ऐसा लगा कि आदिल एक अच्छा हाथ है, मैं मार लूँ। उसने बहुत सारे लोगों के घर में हाथ मारे, जूस में पिला के, पति चोर ने जूस में पिला के बेहोश कर दिया वो आदमी लोग ने, मुझे कहा। आगे राखी ने आदिल की गर्लफ्रेंड को भी बातें सुनाई, हालांकि उसका नाम नहीं लिया। राखी ने कहा कि वो जितना मर्जी कर ले, लेकिन आदिल से शादी नहीं कर पाएगी। राखी ने ये भी कहा कि आदिल की गर्लफ्रेंड ही उन्हें जेल में कपड़े भिजवा रही है। साथ ही राखी ने मोदी जी का धन्यवाद किया। आनी चाहिए आपको, मेहनत से कमाई है, किसी के पति को मुझे डर लग रहा है। क्या आदिल इसके साथ पार्टी में जाता था? क्या आदिल को भी ऐसे ब्लैकमेल किया है? क्या आदिल के भी ड्रिंक में ऐसा कुछ मिला के पिला दिया है? क्या आदिल के भी इनके साथ ऐसे कुछ वीडियो हैं? तो इसलिए आदिल इसको सपोर्ट कर रहे थे, मुझे छोड़ रहे थे, मुझे भी नहीं पता है कुछ। पूरे मुंबई में देखिए, गए तो पीले शर्ट में थे, उनको किसी ने कपड़े नहीं पहुंचाए। तो पति चोर जो कपड़े भी पहुंचा रही है, बहुत सारी चीज़ें पहुंचा रही है, हाँ, दूसरों के पतियों के ब्लैकमेल किए हुए पैसे जो है मेरे पति पे उड़ा रही है। उसे ऐसा लगता है कि ये छुट के आएगा और मुझसे शादी करेगा। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी आपने, मैं देखती हूँ आप कैसे शादी करती हो, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ अभी, और आदिल से शादी करना इतना आसान नहीं है। आदिल कितना भी कहे मैं मुसलमान हूँ, मैं 4-4 शादियाँ करूँगी ना, मुस्लिम लोग भी इतना इजाज़त नहीं देते। हाँ, आप सिर्फ निकाह करते
तो आपको, आप मुझे तलाक दे सकते थे, लेकिन सल्यूट करती हूँ, धन्यवाद मोदी जी, आप झुक झुक जियो मोदी जी, देश की सारी महिलाएं, आप, मैं आपके चरण छूती मोदी जी, सारी महिलाएं, मुसलमान महिलाएं आपको सलाम करती है कि आपने वो तीन तलाक का जो निकाला है कानून, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मुझे नहीं पता कि तीन तलाक का जो कानून मुझे भी एक दिन लागू पड़ जाएगा, मुझे नहीं पता था। अगर मेरे पति ने ऐसा मेरे साथ किया तो फिर से वो एक केस बनेगा, तो बेहतर है मेरा पति मुझे तलाक ना दे। मेरा रजिस्टर मैरिज भी है ना, कोर्ट से दे, और ना तीन तलाक मेरे सामने कभी यूज भी ना करे ये शब्द। तो ये पति चोर जो है लड़की, मैं कह देना चाहती हूँ कि तुम भूल जाओ मेरे पति से शादी करने के लिए। रागी जी, एक आखिरी सवाल होगा मेरा, जिस तरह आपने कल देखा शर्लिन और आपकी जी हुई, कई महीनों पहले आप लोगों का केस था, उसमें भी एक केस हुआ था, आप जेल में गए थे, एंड अभी भी एक केस चल रहा है। कौन जेल में गया था भाई? जेल से पूछताछ के लिए बुलाया था। जेल से? नहीं नहीं, अम्बोली पुलिस स्टेशन से पूछताछ के लिए बुलाया। लोगों का कल आप जिस तरह दोस्ती हुई, लोगों का कहना है कि आप माफ कर दिए शर्लिन को, इसी तरह आदिल को भी इन फ्यूचर आप माफ करने वाले हो? शर्लिन का मेरा इतना बड़ा केस नहीं है, शर्लिन मेरी बहुत पहले से फ्रेंड थी। शर्लिन देखिए, मैं 10-10 कोर्ट घूम नहीं सकती हूँ ना, तो शर्लिन आदिल को भाई बना के एक इंटरव्यू कर रही थी, तो मैंने शर्लिन को बताया, शर्लिन हम पुराने दोस्त हैं, उनके घर पे, उनके बंगले पे गई, उनको कहा शर्लिन एक काम करो, पहले मेरे मोबाइल में ना आप सब देख लो आदिल ने क्या किया है मेरे साथ, फिर आप अपना आदिल को सपोर्ट करो या उसको, आप डिसीजन अपना ले सकती हो, आप एक लड़की हो, आपको अधिकार है अगर आपने आदिल को भाई बोला है तो। तो शर्लिन ने सब वीडियो ऑडियो सब देखा, वो शॉक हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो कि उसके आंख से आंसू भी गिरे, कि राखी तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो एक आम लड़की के साथ क्या होता होगा, उसने क्या किया होगा, जो धारा 376 की भी जो मैसूर से लगी है रेप केस की, और भी अन्य लड़कियां जो बाहर नहीं आ रही है। मैं आपको कहती हूँ, आज वादा करती हूँ, ये पति चोर भी एक दिन आदिल पे केस करेगी। आज वो मीठा मीठा बोल रही है, जेल में कपड़े, पता नहीं क्या 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 पहुँचा रही है, वकीलों को पैसे दे रही है, उसको उम्मीद है कि आदिल उसे शादी करेगा, नहीं करेगा। आदिल मेरा पति है, हाँ मैं उसके खिलाफ कोर्ट में गई हूँ बहुत सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया था, और मैं हमेशा उनकी पत्नी रहूँ, आप भूल जाइए। तो शर्लिन एक अच्छी लड़की है, समाज सेवा करना चाह रही है डेफिनेटली, और आज हम दोनों दोस्त हैं। किसी से मदद मांगना, मदद की गुहार मांगना कोई बुरी बात नहीं। तो शर्लिन का मेरा केस चल रहा था, तब सारी ज़िंदगी तो मैं केस कोर्ट में घूम नहीं सकती ना, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वाहिद भाई का कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शर्लिन से कहा कि आप दोनों दोस्त बन गई है तो अब केस वापस ले लीजिए। तो शर्लिन ने भी वादा किया है कि हाँ 8 मार्च को आपको पता चल जाए। तो मैं शर्लिन का, वाहिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा जो केस है आदिल के खिलाफ वो बहुत गंभीर केसेस है, वो घरेलू केसेस है, क्या बोलते हैं वो, कौन से, क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, मनी मैटर, धोखाधड़ी, चीटिंग के, फिर 420, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वही शादीशुदा जिंदगी में बीवी को मारना, बीवी होते हुए भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना, बीवी के माँ के जेवर, जो उसकी माँ रही नहीं है, वो बीवी की पूंजी है, वो और वो दूसरी लड़कियों को दे देना, मेरे बहुत सारे केसेस हैं। 2-4 केसेस तो अभी मैंने किए नहीं है, उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, पहले इससे निपट लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।